अज और बाकी जो दो दीवान हैं उन्होंने शब्द गुरु की महानता और किवें किवें इस समुची बाणी गुरु नानक साहब महाराज तो लैके दसवें पातशाह तक एकत्र होके धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्ज की गई और इस समुची गुरबाणी के खजाने सामभदे हो कितनियां कुर्बानियां साढ़े सिख इतिहास नूं और सिख कौम के वेड़े दे विचों पैदा होए नगीनियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी वास्ते कितनियां मुशक्कतां घालणा कमाईयां ते कितनियां कुर्बानियां देणियां पईयां ते किवें फिर सतगुरु जी ने 1708 ईस्वी दे विच नांदेड़ की धरती ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेक के गल आखी सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ इहदे बारे आपां विचार करनी है अज दा और बाकी दो दीवान हो रहे बख्शो असीस सरबत संगत विचारां दी आरंभता तो पहला मेरियां दो बेनतियां ने पहली ते इह जिन्हां कोल साडे कोल मोबाइल फोन ने जां ते घट्टो घट अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दईए नहीं ते साइलेंट मोड ते ला लईए क्योंकि ये गुरु की हजूरी है कोई पार्क नहीं कोई खेड का ग्राउंड नहीं ते गुरु की हजूरी दे विच मर्यादा बरकरार रखनी है साडा फर्ज है क्योंकि की हुंदा है अजोके समय दे विच कईआं दे कोल एक एक छड के दो दो फोन तीन तीन फोन जदों एक वजद कोल बैठे दसां दा ध्यान भंग हो जाता है ना उहदे विच मैनू आनंद आउणा है कथा करन दा ना तुहानू सुणन दा आनंद आउणा है जे बंद कर दईए ते वधिया गल है नहीं ते साइलेंट ला लईए और दूजी मेरी बेनती है भी जिहड़े मेरे वीर बाहर सेवा कर रहे ने बड़ी चंगी गल है जे नहीं ते बाकी गुरु दी हजूरी दे विच जुड़न दी कृपालता करन और जिहड़े बच्चे इधर उधर खेड़दे रौला पा रहे ने उहनां नूं प्यार दे नाल समझा के गुरु दी हजूरी च बिठाईए अपने मन की एकाग्रता अते रसना की पवित्रता दे लई सरबत संगत लवाओ गुरु चरणा दे विच हाजरी पुत्रां दे दानी कलगी धर पिता की बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जन्म हुंदा है 1469 ईस्वी दे विच 15 भगतां की बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच दर्ज है ते जिहड़े 15 भगत साहिबान ने ओह गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह तो कई सौ साल पहला पैदा हो चुके ने क्योंकि जिहड़े भगत जयदेव हन भगत जयदेव जी 1170 दे विच पैदा हो चुके ने ते गुरु नानक साहिब का जन्म है 1469 दे विच भगत जयदेव 12वीं सदी च पैदा होए ते गुरु नानक साहिब 15वीं सदी च पैदा होए इहदा मतलब लगभग 300 साल पहला भगत जयदेव गुरु नानक साहिब तो पैदा हो चुके ने ते 1270 दे विच भगत फरीद साहिब दा जन्म है भगत फरीद साहिब भी 200 साल गुरु नानक साहिब तो पहला हो चुके ने ते 1273 दे विच भगत नामदेव साहिब दा जन्म है ते भगत नामदेव साहिब भी गुरु नानक साहिब तो कई सौ साल पहला पैदा हो चुके ने इहदा भाव भी शब्द दा जिहड़ा प्रकाश सी ओह गुरु नानक साहिब दे जन्म तो कई सौ साल पहला हो चुकिया लगभग जिन्ने भगत साहिबान ने ना ओह गुरु नानक साहिब तो कई सौ साल पहला पैदा हो चुके ने ते कुछ कु भगत साहिबान गुरु नानक साहिब दे समकाली रहे जिवें भगत रविदास जी ते भगत कबीर साहिब
बाकी लगभग सारे भगत साहबान गुरु नानक साहब जी तो पहला पैदा हो चुके। गुरु नानक साहब के जन्म तो कई सौ साल पहला प्रकाश हो चुके हैं। वैसे असी कहने 1 सितंबर 1604 ईस्वी को हरिमंदर साहब के विच गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश होया, आदि बीड़ का पहला प्रकाश होया, पोथी साहब का पहला प्रकाश किया गया 1 सितंबर 1604। पर प्रकाश है ना जिहड़ा शब्द का, वह गुरु नानक साहब के जन्म तो भी कई सौ साल पहला हो चुके हैं। ते अज भी असीं देखने प्रकाश रोज हुंदा है गुरुद्वारा साहब के विच। कई सिखां ने अपने घर के विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन सरूप रखे, प्रकाश रोज हुंदा है कि साडे मनां विच गुरबाणी का प्रकाश होया, कि साडे हिरदे दे विच जपजी साहिब बाणी का प्रकाश है, सुखमणी साहिब बाणी पढ़ी जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश अज भी हो रहा है। पर साडे मना दे विच अज्ञानता ओही है, असी उत्थे ही खलोते हैं जिथों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सानू तोरिया सी। ओही वहम, ओही भरम, ओही कर्मकांड, ओही विचारां, ओही चंगे ते मंदे दी विचार सी अज भी कर रहे हैं। कि सच्ची मुच्ची साडे अंदर गुरबाणी का प्रकाश है, कि सच्ची मुच्ची गुरु के शब्द का ज्ञान का प्रकाश साडे अंदर है। रोज प्रकाश से असी कर रहे हैं और कह रहे हैं असी भी प्रकाश पहला 1 सितंबर 1604 ईस्वी को होया। ते गुरु सवारे लाड़ो तुसी 17वीं सदी 18वीं सदी 19वीं सदी 20वीं सदी ते 21वीं सदी चल रही है। 411 साल हो गए प्रकाश होए नूं, ते साडे मना च उही वहम ने, उही भरम ने, उही कर्मकांड ने कि वाकया साडे मना दे विच प्रकाश होया। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी की उपमा करते हैं, वडियाई करते हैं, क्योंकि असी गुरु के सिख हाँ, साडा फर्ज बनता है। पर आनंद उदों आउंदा है जदों किसी होर धर्म का बंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वडियाई ते उपमा करता है। कहते तुसी श्रोमणी कमेटी के अंदर गुरुद्वारिया के विच जाओ, उत्थों श्रोमणी कमेटी एक भेटा रह किताब छापती है, उस किताब का नाम बड़े ध्यान नाल सुनियो। शायद तुहाडे विचों किसे सज्जन ने वह किताब पढ़ी होवे। उहनू लिखण वाले पता कौन ने? लिखण वाले ने हिंदू, उहनां दा नाम है स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी, ते किताब का नाम है सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी खालसा पंथ। दोबारा फिर मैं नाम दसदा किताब का, किताब का नाम है सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी खालसा पंथ। लिखण वाले ने स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी। लगभग 100 पन्ने की निकी जी वह किताब है। कि तुसी पंजाब जाओ, अमृतसर साहब उत्थों लैके पढ़ो, पंजाब के किसी भी गुरुद्वारा जिहड़ा श्रोमणी कमेटी के अंदर है उत्थों लैके पढ़ो, अपने लागे भी पैंदा है तो उत्थों जाके वह किताब मंगाओ ते लैके पढ़ो। उन्हों लिखण वाले हिंदू फैमिली के विच जम्मे, हिंदू फैमिली के विच पढ़े, हिंदू फैमिली के विच पले, ते हिंदू फैमिली दे विच वड्डे होए। पर उस किताब की खासियत पता की है? उहदे फ्रंट पेज ते स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी जी मोने की फोटो है, सिर ते वाल भी है नहीं ते मूंह ते दाढ़ी भी नहीं। पर अखीरले पेज ते उन्होंने सिर ते दस्तार सजा ली ते मूंह ते दाढ़ा रख लिया। उन्होंने हिंदू फैमिली दे विच पैदा होए, उन्होंने दुनिया के कुल ग्रंथ पढ़े, उन्होंने हिंदू धर्म दियां 27 सिमरतियां
चार वेद छे शास्त्र ते जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ 18 पुराण हिंदू धर्म के उन्होंने ग्रंथ पढ़े, मुसलमान धर्म के ग्रंथ भी पढ़े, ईसाइयत की बाइबल भी पढ़ी उन्होंने, जिन्ने दुनिया के धर्म के ग्रंथ उन्होंने अध्ययन किया पढ़े, वो मेरे वर्गा कोई अनपढ़ बंदा नहीं सी। स्वामी राम तीर्थ दंडी ने बड़े पढ़े लिखे वैल एजुकेटेड बंदे सन, उन्होंने आख्या कोई एदा का ग्रंथ है जिहड़ा मैं नहीं पढ़िया। उन्होंने पूछया तो उन्होंने पता लगा हाँ एक ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हों गुरता गद्दी नदेड़ की धरती से गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिती है, वो ग्रंथ तुसी अजे नहीं पढ़िया। वो कहिंदा मैं पढ़ना है, प्रबंध करो। प्रबंध किया गया, एक ओंकार को लैके 18-10-20 तक समुची श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़ के उन्होंने विचारिया। वो अपना धर्म छड़ गए ते उन्होंने सिख धर्म धारण कर लिया। जदों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़िया ते उन्होंने पूछया भी तुसी की कहना चाहते हो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बारे, वो कहिंदे एक गल मैं कहनी चाहुंदा ते अरदास करदा रब दे चरणां ते भी जेकर परमात्मा मैनू दोबारा जन्म देवे। उन्होंने नाल इह वी गल आखी, वो कहिंदे मैं पढ़िया गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च लिखिआ है आवा गवन होत है पुन पुन, भी बंदा वार वार जम्मदा ते मरदा है, वार वार बंदे की आत्मिक तौर पर बंदा ज्यों पैंदा है, आत्मिक तौर पर बंदे की मौत हो जाती, बंदा वार वार जम्मदा ते मरदा है। वो कहिंदे जेकर परमात्मा मैनू दोबारा जन्म देवे, उस मां की कुखों जन्म देवे, जिस मां ने खंडे बाटे की पौड़ लई होवे, जिहड़ी मां पंज ककारां दी धारणी होवे ते सवेरे उठ के नित नेम करदी होवे, जिहड़ी मां दे रोम रोम दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी वसी होवे, ओह कहिंदे मैं उस मां दी कुखों जन्म लैके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दा प्रचार करना चाहुंदा। एक वारी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़िया ते अपना धर्म छड के ओह सिख सज गए। उन्होंने पूछा तुहानू खासियत की लगी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, वो कहिंदे जदों मैं अपना धर्म देखदा ते सिख धर्म देखदा, एक गल मैं इत्थे कहण लगा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच किसे धर्म नूं माड़ा नहीं आख्या गया, हरेक धर्म आपो अपनी थां ते पूरी महानता रखदा, पूरा सत्कारयोग है धर्म, धर्म कोई भी माड़ा नहीं, धर्मां दे आगू माड़े हो सकते ने, धर्मां दे पैरोकार माड़े हो सकते ने, धर्मां नूं चलाउण वाले माड़े हो सकते ने, पर धर्म कोई माड़ा नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच सतगुरु ने आख्या कि जेकर तू एक हिंदू है तो वधिया हिंदू बन, जे एक ब्राह्मण है तो चंगा ब्राह्मण बन, जे एक खत्री है तो चंगा खत्री बन, जे एक मुसलमान है तो चंगा मुसलमान बन, जे एक योगी है तो चंगा योगी बन। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आख्या जेकर तू सिख है तो चंगा सिख बन। एक गल चेता रखियो, ना सारे हिंदू चंगे और ना सारे हिंदू माड़े, ना सारे मुसलमान चंगे ना सारे मुसलमान माड़े होंदे ने, ना सारे सिख चंगे ते ना सारे सिख माड़े होंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच सांझीवालता की गल, वर्ल्ड का इको एक ग्रंथ है जिहदे विच सांझीवालता की गल है, सारे धर्मां नूं सांझा उपदेश है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच जे सांझीवालता की गल है ना, इहदे तों वड्डी सांझीवालता किते नहीं हो सकती। साडियां भैणां भी बराबर बैठियां, वीर भी बराबर बैठे ने, इह सांझीवालता की निशानी है। साडी संगत इक है, साडी पंगत इक है,
पंगत लंगर छकदिया कोई वितकरा नहीं, किसी मजहब के धर्म का व्यक्ति आके इतने लंगर छक सकता है। साडे सरोवर एक ने कोई वितकरा नहीं, और साडे इत्थे पंज ककार एक ने कोई वितकरा नहीं, खंडे बाटे की पौल एक है कोई वितकरा नहीं। इस करके जे सांझी वालता की गल की जाती है तो इतने समुची कौम को सांझा उपदेश है, भावें हिंदू आवे भावें मुसलमान आवे भावें ईसाई जैनी बोधी कोई भी आवे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी जो असं पढ़ते हाँ, भगत जयदेव साहब ने जेडे बामण की कुल च पैदा होए ने उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है। 11 भट्टां दे विचों 6 भट्ट साहिबान बामण की कुल च पैदा होए ने उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है। राय बलवंत तथा सत्तै डूम आखी, डूम का अर्थ है मरासी, ते मरासी का संबंध है मुसलमाना नाल, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच मुसलमान घराणियां दे विच पैदा होने वालियां दी भी बाणी है। बाबा फरीद साहब वो इस्लाम नाल संबंध रखते हैं, बाबा सत्ता जी ते बलवंत जी वो इस्लाम नाल संबंध रखते, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है। इस करके असी जिन्ना प्रचार करना सी ना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का उन्ना नहीं कर सके, जो 1984 के विच जिन्ना लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप अगां ला के साड़े जे असी दस्या हुंदा ना पी इहदे विच ब्राह्मण की कुल च पैदा होने वालियां की बाणी है। इस बाणी दे विच आख्या गया है अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को बंदे, लोका भरम ना भूलो भाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहे हो सब ठाई। और इको एक वर्ल्ड का ग्रंथ है जिहड़ा सांझी वालता की गल करता है, ते जिहड़ा सांझा उपदेश समुची संगत नूं दिंदा है। और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के विच ये वचन है तू सांझा साहिब बाप हमारा, भी मालका तू साडा सारिआं दा सांझा बाप है। और मैं टूक मात्र यह अर्थ कर लगा भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विच ये गल आखी है भी जेकर तू हिंदू बनना है बन, ब्राह्मण बनना है मुबारक है बन, पर एक सच्चा सुचा ब्राह्मण बन। ब्राह्मण आख्या किनू जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दसदी है। सतगुरु कहते तू पंडित बनना है बन पंडित, पर सजना पंडित बनिया किवें जाता है, गुरु अर्जन साहिब महाराज कहते तेनू मैं दसदा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी कहती मुसलमान बनना है मुबारक मुसलमान बन, पर मुसलमान बनना बड़ा औखा है, पर बनिया किवें जाना है गुरु नानक साहब दस दे भी मुसलमान किवें बनिया जाना है। मैं टूक मात्रे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विचों पंक्तियां तुहाडे नाल साझियां करांगा, और किसे दे भी मन दे विच रता भर भी कोई शंका होवे जो मैं कथा करा ते कथा तो बाद तुसीं दास दे नाल विचार कर सकदे हो। सब तो पहली गल ए गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, सतगुरु ने नहीं आख्या कि तू ब्राह्मण ना बन, कहिंदे बन पर बनिया किवें जाणा है, कहिंदे सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संयम कमावै कर्म सील संतोख का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजण योग्य। गुरु नानक साहब कहिंदे असल विच ओह ब्राह्मण पूजण योग्य है किहड़ा, सो ब्राह्मण ओह ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जो रब नूं चेते करदा है जो रब नूं ध्यांदा है परमात्मा नूं जपदा है जिहड़ा अपने सुर ते इक रब नाल जुड़ के रखदा है, सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म। कहिंदे जप तप संयम कमावै कर्म, जिहदे कर्म चंगे होण जिहदा आचरण उच्चा होवे जिहदे कम्मां दे विचों जप ते तप की झलक पवे, जप तप संयम कमावै कर्म। फिर कहिंदे सील, सील का अर्थ हुंदा है चंगा सुभा, असल विच ब्राह्मण ओह है जिहदा सुभा चंगा है। सील संतोख का रखे धर्म,
कहते संतोख भी हो जी अंदर सबर भी हो धर्म कमाए फिर बंधन तोड़े संसार के बंधन जो तोड़ देता है हो वह मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन युगत फिर गुरु नानक साहब कहते तू खत्री है पर खत्री बनिया किमें जाना है कहते खत्री सो वो है खत्री केड़ा जो कर्मा का सूर जेड़ा कर्मा करके सूरमा हो क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर चार वर्ण वर्ण ने ब्राह्मण खत्री वैश ते शूद्र ते चौहान के काम भी वक्खो वक्खरे ने जेड़ा खत्री का काम है वह है तिना वर्णा की राखी करनी जंग के मैदान के अंदर जूझना हथियार चलाने खत्री नूं कहा सूरमा सतगुरु कहते खत्री सो जो कर्मा का सूर जेड़ा कर्मा करके सूरमा हो फिर कहते पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजे दान सो खत्री दरगाह प्रवान गुरु अर्जन साहब महाराज कहते तू पंडित बनना है बन पर बनना बड़ा औखा है सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सो पंडित पंडित का अर्थ होता है ज्ञानवान जिहड़ा लोगों नूं उपदेश करता है सतगुरु कहते तू पंडित ज्ञानवान है पर सब तो पहला जो लोगों नूं उपदेश करता है वह अपनी जिंदगी च कमा यह उपदेश मैनू भी बराबर है भी सतगुरु कहते जो तू लोगों नूं दसना है सब तो पहला तेरी जिंदगी च गल्लां होण कहते सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है सतगुरु जी कहते राम नाम सार रस पीवे ते अखीर ते फिर गुरु अर्जन साहब पता की कहते कहते नानक उस पंडित के उपदेश जग जीवे उस पंडित के उपदेश के नाल जगत जीउंदा है जिन्हें लोगों नूं कहण तो पहला अपनी जिंदगी च वो गल्लां कमाईआं होण फिर गुरु नानक साहब कहते मुसलमान बनना बन पर बनना बड़ा औखा है कहते मुसलमान कहावन मुश्किल कहते बड़ा मुश्किल है मुसलमान कहाना यह गुरु नानक साहब का वचन मुसलमान कहावन मुश्किल कहते जा हो मुसलमान कहावे पर मुसलमान बनिया किमें जाना है मुसलमान पंज ने बाजा पढ़द पंजां दे नाम भी वक्खो वक्खरे ने ते पंजां नूं उच्चारण दा पंज नमाजां पढ़न दा समां भी वक्खो वक्खरा है गुरु नानक साहिब कहिंदे पंज नमाजां वक्त पंज पंजां पंजे नौ कहिंदे तेरियां नमाजां पंज ने ते पंजां नमाजां दे नाम भी वक्खो वक्खरे ने पंज नमाजां वक्त पंज पंजा पंजे नौ सतगुरु कहते तू पंज नमाजां पढ़ता है पर जो पहली नमाज पढ़ता है ना सवेरे उदों मन अंदर एक प्रण कर लिया कर भी पहला सच भी अज मैं सारा दिन सच बोलना है सिखा जे तू जपजी साहब बाणी पढ़ना तो प्रण करिया कर भी मैं सच बोलना ये नहीं सवेरे सवेरे गुटका पढ़ के जपजी साहब भी पढ़ लिया फिर दुकान से बह गया जेड़ा गाहक आया उन्होंने घट भी तोड़ दिता है झूठ भी बोल दिता है सतगुरु कहते सिख हो जा भी तेरी जिंदगी च सच हो पढ़ना तो ता ही फायदा ना नहीं तो कोई फायदा नहीं फिर तो गल वो बन गई नहाने चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भौ लथी नहात्या दो भा चढ़िए समोर फिर तो पढ़िया तो ना पढ़िया एक बराबर है सतगुरु जी कहते पहला सच पहली नमाज पढ़ना तेरी जिंदगी सच हो पहला सच हलाल दोए हक हलाल की कमाई करके खा ठगियां ना मार दूजी नमाज तो यह सिख फिर तीजी खैर खुदाए कहते तीजी पढ़ना है तो रब की खैर मंगया कर परमात्मा ध्याया कर उन्होंने जपया कर फिर कहते चौथी नीयत रास मन अपने मन की नीयत रास कर चौथी नमाज तो यह सिख पंजवी सिफत सदाए पंजवी पढ़ना है तो रब की सिफत करनी कलमा आख करनी पहला काम पहला ने करतूता पहला कर्म पहला कलमा बाद
क्योंकि गुरमत के अंदर कहनी दे नालों करनी प्रधान है। जिवें कहिंदे ना भी कहना बड़ा सौखा है ते करना बड़ा औखा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर जो आख्या गया है वो करके दिखाया गया है। जेकर गल आउंदी जोर तो प्रेम खेलण का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ बाबा दीप सिंह वर्गे ने करके दिखाया। जेकर गल आई है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, वो भाई मणि सिंह वर्गिया गुरु अर्जन साहब जी ने ते भाई सतीदास वर्गिया ने करके दिखाया। जो गुरबाणी अंदर गल कही गई वो प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाई गई। गुरमत के अंदर कहनी दे नालों करनी प्रधान, करनी कलमा आख कै तां मुसलमान सदाए। सतगुरु कहिंदे मुसलमान एक सच्चा सुचा मुसलमान होवे, हिंदू एक वधिया सच्चा सुचा हिंदू होवे, ते फिर गुरु नानक साहिब कहिंदे सिख एक सच्चा ते सुचा सिख होना चाहिए। सिख बनिया किवें जाणा है? एक गौड़ी की वार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ते चा अपना 300 ते 5 अंग ते पावन श्लोक है गुरु रामदास साहिब दा। यह श्लोक है जिहड़ा कि हर एक गुरु के सिख नूं याद होना चाहिए जुबानी। इहदे विच सिख की डेफिनेशन दसी है, सिख की परिभाषा दस भी सिख का जीवन किवें दा होना चाहिए, सिख की डेफिनेशन। सतगुरु कहिंदे तू सिख बन, पर बनिया किवें जाणा है? सतगुरु जी बख्शिश करते कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किलविख पाप दोख लह जावै, फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहिंदिआं उठदिआं हर नाम ध्यावै, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै, जिस नौ दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावै। सतगुरु कहिंदे सिख बनना ते तेरी परिभाषा तेरा जीवन इस तरह का होना चाहिए, तेरे जीवन दे विच नितनेम होना चाहिए, तेरी जिंदगी दे विच अमृत वेला होना चाहिए, तेरी जिंदगी दे विच परमात्मा का सिमरन ते नाम होना चाहिए, तां गुरु का सिख है नहीं ते नहीं। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने बाणी दे विच किसे धर्म की तोहीन नहीं कीती, हर एक धर्म नूं पूरा माण सम्मान दिता है। धर्मां दे पैरोकार आगू धर्मां नूं चलाउण वाले माड़े हो सकदे ने, पर धर्म कोई माड़ा नहीं। इस करके जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सी स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी दी, उहनां नूं पुछिआ कहिंदे की तुहानूं खासियत लगी है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च? वो कहिंदे जदों मैं अपना धर्म देखिआ मेरे धर्म के अंदर, यह मैं नहीं कह रहा उन्होंने वर्डिंग उन्होंने किताब च लिखी आ पढ़ सकते हो तुसी, वो कहिंदे जदों मैं अपना धर्म वेखिया मेरे धर्म के अंदर चार वर्ण ते चारां दे काम भी वखो वखरे ते चारां दे त्यौहार भी वखो वखरे, पर जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़िया ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च लिखिया सी खत्री ब्राह्मण शूद वैश उधर सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रभ अपना नानक तिसै रवाल, वो कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च लिखिया सी खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चहो वर्णा को सांझा, कहिंदे जदों मैं अपना धर्म स्टडी किया ते मेरे धर्म के पैरोकार ये गल कहिंदे सन भी जेकर शूद्र नीवी जात वाला गुण की गल अपने कन्ना दे नाल सुनदा ते उहदे कन्न विच सिक्का ढाल के पा दिओ, जे कोई गुण की गल करदा जुबान दे नाल ते उहदी जुबान वढ दिओ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬੱਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗਯਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਅਸ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਗਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਸ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਹਿਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ ਸਹਿਜਾ ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਰਕ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਰਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਵਰਗ ਸ਼ਾਤਰ ਬਿਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਆਪ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਚੱਲਣ ਹੈ ਊਹਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਚੱਲਣ ਹੈ ਊਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਚੱਲਣ ਹੈ ਊਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ
वसै निरंकार सचखंड जिथे निरंकार वसद निरंकार की है असी पढ़ने वाह वाह बाणी निरंकार है जेवट वरना कोई वाह वाह बाणी बाणी निरंकार है ते सचखंड जिथे निरंकार वसद निरंकार कितने वसद बाणी निरंकार का रूप है बाणी भी निरंकार ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਪਾਸ ਨਾ ਵਾਂਛੀਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖ ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਣੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਸਿੱਧਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਮਣ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਨਿਕ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨਿਕ ਕਾਮਣੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਪੈਲੀ ਤੇ ਅੰਨ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੈਥੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਣੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਗਿਆ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ
ਉਹ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੁੱਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ, ਉਧਰ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਡਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਉਧਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਰਵਾਲ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਕਲ ਮੈਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਾਹਮਣ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੂਦਰ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਖੱਤਰੀ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਦਵੈਸ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 3800 ਧਰਮ ਹੈ, 3800 ਧਰਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ 3800 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਪੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ,
सिखां दा घर इदां दा नहीं होना जिन्हें अज तक गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते रुमाला ना दिता होवे। मैं नहीं दिता ते मेरे चाचे ताए दादे पड़दादे माता पिता ने जरूर गुरु ग्रंथ साहिब ते रुमाला दिता होवेगा। जे तुहाडे चो तुसीं नहीं दिता ते तुहाडे माता पिता चाचे ताए दादे पड़दादे ने जरूर रुमाला दिता होवेगा गुरु ग्रंथ साहिब ते। अज तक असीं रुमाले बहुत दिते पर रुमाला चुक के दर्शन किन्नियां ने कीते ने? कोई हथ खड़ा कर सकता है भी मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं अर्थां समेत एक ओंकार तों लैके 18-10-20 तक पढ़िया है? कह नूं असीं कह रहे हां गुरु ग्रंथ साहिब साडा गुरु है। रोज अरदास की समाप्ति तों बाद इह पढ़ी दा भी है, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और कह भी रहे हैं असी गुरु ग्रंथ साहिब के सिख हाँ तो सानू इन्ना पता ना हो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी किन्ने रागां च है, किन्नियां वारां, किन्ने भट्टां, किन्ने भगतां, किन्ने गुरसिखां ते किन्ने गुरुआं की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है ते सानू सिद्धांत पता ना होण जिस गुरु नूं अज तक असी मत्थे टेके ते सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के सिद्धांत पता ना होण बड़ी माड़ी गल है। इस करके हर एक गुरु का सिख अपनी जिंदगी अते जीवन दे विच घट्टो घट एक पाठ, एक सहज पाठ अर्थां समेत गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का करे भी जिस गुरु नूं अज तक असीं मत्थे टेके इस बाणी दे विच केड़ा कीमती खजाना है। भगत पूर्ण सिंह पिंगलवाड़े वाले ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਾਏ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਗੱਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 5 ਟਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਾਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ।
इन्हें नू कहिंदे मैं लंगर छाकी रहा सी ते आवाज ए मेरे कन्ना दे विच पई भी जिन्ने बिस्तरा ते कमरा लेना होवे स्टोर कीपर ने चले जाना है वो बिस्तरा ते कमरा ले लवे कहिंदे मैं पेट दी भुख दूर करन तो बाद मैनू रहण वास्ते बिस्तरा ते कमरा मिलिया मैं गुरुद्वारियां दा सिस्टम देख के केडा प्रभावित होया मैं अपना धर्म छड्ड दिता ते सिख धर्म धारण कर लिया भगत पूर्ण सिंह पिंगलवाड़े वाले उन्हां दा पिछोकड़ हिंदू परिवार दे विचों है पर उन्होंने जो गुरुद्वारियां दा सिस्टम देखिया ते उन्होंने अपना धर्म छड्ड के सिख धर्म धारण कर लिया होर धर्म दा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़े अपना धर्म छड़ के सिख धर्म धारण कर लैंदा है पर असीं सिख धर्म दे विच पैदा होके सवाल अजे भी ये करते हैं कि भाई साहब खंडे बाटे की पौड़ लैनी जरूरी है मैं क्या कभी ये तो नहीं पूछा भी भाई साहब रोटी खानी भी जरूरी है कि नहीं प्रशादा खाना पानी पीना भी जरूरी क्योंकि वो साड़ी लोड़ है ना उहदे तों बंदा जिउंदा नहीं रह सकता असीं सवाल करते हैं कि खंडे बाटे की पौड़ लैनी जरूरी है हाँ बिल्कुल जरूरी है क्योंकि यह शंका साडे दसवें पातशाह ने क्लीयर कर दिता है ते साडे गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप खुद पंज प्यारियां दे कोलों खंडे बाटे की पौड़ लई है जेकर असीं खंडे बाटे की पौड़ नहीं लई ते सानू कोई अधिकार नहीं भी असीं आखीए गुरु गोबिंद सिंह साहब साडा गुरु है क्योंकि साडे गुरु साहिबानां ने ते आप खंडे बाटे की पौड़ लई जिन्हें खंडे बाटे की पौड़ नहीं लई उन्हूं कोई अधिकार नहीं वो आखे भी दसवां पातशाह साडा गुरु है क्योंकि सच्चे पातशाह ने आख्या पांच सिंह अमृत जो देवै तां कौ सिर धर छक पुन लेवै पुन मिल पंचो रहत जो भाखै तां को बन मैं दृढ़ कर रखै और मेरा मन बड़ा प्रसन्न खुश होया भी लगभग जिन्ने गुरु की हजूरी दे विच बैठे वो लगभग सारे केसाधारी ते साधु सूरत पर जिस पंजाब दी धरती नूं कदी महान फिलासफरां ने आखिया पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते पर सिक्खी पंजाब दे विचों अलोप हो रही है और हुण सिख नौजवानों नूं पंजाब दी धरती ते घल्लूघारियां दे नाल नहीं समैकां ते हीरोइन दे नाल मारिया जा रहा है साडियां सरकारां भी अपणियां ने पंथक कहाउंदियां ने पर पंजाब दे घर घर दे विच समैक ते हीरोइन वर्गे भयानक नशे वड़दे ने एक महीना जिहड़ा भयानक नशा यूज कर लैंदा है कैमिकलां दे नाल उहदा शरीर बेकार हो जांदा है निपुंसक हो जांदा है इन्हां तरीकियां दे नाल पंजाब दी नौजवानी नूं खत्म कीता जा रिहा है इस करके तुसीं धंधा दे पात्र हो जिहड़े सिक्खी सरूप सांभ के बैठे हो और जिन्हां ने सिक्खी दी दात नूं सांभ के रखिया है और गुरु सवारियो जो पंजाब दी धरती ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेअदबी थां थां ते हो रही है जिस गुरु साहिबान का अज असी गुरता गद्दी बड़े चा दे नाल मना रहे हैं ते पंजाब इस वक्त बड़े भयानक दौर दे विचों निकल रहा है और दास कोट पूरे उदन मौजूद सी जिदन अथरू गैस के गोले छड़े गए गंदे पानी दियां बछाड़ां पा के लगभग तीन घंटे फायरिंग की गई और साडे सिखां नूं निशाना बना के मारिया गया दास उदन उत्थे सी अपने कोल दो दीवान होर ने और उन्हां दीवानां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी किवें किवें इकत्तर होई किवें गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने गुरता गद्दी दित्ती ते बाणी की महानता ते सिधांत की ने ते पंजाब की धरती ते साडे नाल की दुखांत भाणा वापर रहा है और जो दास ने अखी वेखे है ये आने वाले दो दीवानां दे विच सतगुरु की कृपा दे नाल आपां विचारां करांगे बेलिहाजे समय ने अपना डंका बजा दिता है समय की समाप्ति है सर्वत संगत आखो जी वाह